एग्जाम हो, एनडीए एग्जाम हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे ये आपको काम आने वाला है। समझेंगे इसका डेफिनेशन, देन होगा हमारा एग्जाम्पल रिलेटेड टू फ्रेज एंड लास्ट टेस्टिंग वीडियोस। अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हो जाइए तैयार बनने के लिए ज़्यादा समझदार। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है द फ्रेज। क्या होता है ये फ्रेज, इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे, उसके बाद समझेंगे इसका डेफिनेशन, देन होगा हमारा एग्जाम्पल रिलेटेड टू फ्रेज एंड लास्ट में आ गया हमारा क्विज, जहां आपको आंसर करना है बेस्ड ऑन क्या आपने सीखा है इस वीडियो से। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे चीज़ें को एक्सप्लेन कर लूँ, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपको क्विज के टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नाउ सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू फ्रेज। अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट डज नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये एक सेंस देता है, ठीक है, कहीं ना कहीं डिटेल्स ऐड करता है, इनहेंस करता है हमारे कंप्लीट सेंटेंस बनाने में। सो फ्रेजेस ऐड डिटेल एंड मीनिंग टू द सेंटेंसेस बट डोंट हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। दोनों नहीं होता है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों इस में नहीं होता है, इसलिए ये क्लॉज से अलग होता है। अगर आपको क्लॉज के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि क्लॉजेस में क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट एंड वर्ब बोथ होता है, लेकिन फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये डिटेल ऐड करता है, सेंस ऐड करता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस बनाने में असफल रहता है। जब एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। दे हेल्प डिस्क्राइब एक्शंस और थिंग्स मोर क्लियरली। ये ज्यादा क्लैरिटी के साथ एक्शन एंड थिंग्स को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। नाउ A phrase is a group of words that make sentence but does not form a complete sentence. बहुत क्रिस्प तरीके से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। It does not contain both a subject and a predicate. यही है इसका डेफिनेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं यूट्यूब पे। नाउ तो डेफिनेशन को समझने के बाद अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स देखिए आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इन द ईस्ट पूरब में अगर कोई आपसे बोले तो आपको क्लैरिटी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये चीज सेंटेंस में रहता है तो और ज्यादा क्लियर बनाता है सेंटेंस के मीनिंग को। द सन राइजेस, सूरज उगता है, है ना। द सन राइजेस, यहाँ पे सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, ठीक है, राइजेस वर्ब है, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सन है। लेकिन यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बोल्ड लेटर में है, ये हमारा फ्रेज जो कि ऐड कर रहा है क्लैरिटी, डेफिनेशन, ज्यादा डिटेलिंग ऐड कर रहा है हमारे सेंटेंस में, लेकिन इसका एक कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। इन द ईस्ट अगर आपको कुछ बोल दे, इन द ईस्ट पूरब में कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन वहीं पर अगर सन राइजेज इन द ईस्ट बोलते हैं तो आपको क्लियर मीनिंग मिलता है कि हाँ सूरज पूरब से उगता है। उसी तरह हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल, ऑन अ वॉल कोई अगर बोले तो आपको सेंटेंस का क्लैरिटी यहाँ पे नहीं मिलता है, कंप्लीट सेंस नहीं मिलता है। लेकिन ये जरूरी है डिटेलिंग ऐड करने के लिए, क्लैरिटी बनाने के लिए। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो। विथ स्नो बोले ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन पूरा सेंटेंसेस जब आप बोलोगे ना विथ स्नो के साथ तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलता है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों को एक साथ नहीं पा सकते हो, यही अंतर है फ्रेज में और क्लॉज में, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। अब एक और चीज, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा एक वेबसाइट है www.skillinlab.com, वहाँ पे हमने एक कोर्स बना के रखा है लर्न इंग्लिश विथ AI। बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं कि कैसे आप प्रैक्टिस पेपर्स जो हम डाल रहे हैं अपने वेबसाइट पे उसको यूज़ करके आप इंग्लिश अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब पे जो वीडियोज़ है उसको देख के आप इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख सकते हो। और 100 घंटे से भी ज़्यादा का कॉन्टेंट हम डालने वाले हैं, तो प्लीज़ जाइए और रजिस्टर कीजिए। कोई पैसा आपसे लेगा वहां पे, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है हम सबके लिए। जो भी Tier 2 Tier 3 सिटीज के लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी में आपको इंग्लिश समझाया गया है, इसी लैंग्वेज जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे उसी तरीके से वहां पर भी कंटेंट आपको मिलेगा। अगर कोई आपका दोस्त है, अगर मान लो आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपका कोई दोस्त है, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हो। चलिए अब हमें समझ में आ गया है क्या है फ्रेज, अब हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। तो अभी क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे और आपको उसका आंसर देना है कमेंट में, ठीक है। कमेंट में सिंपली डालना है कि क्या होगा, ऑप्शन ए या बी। सो विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज अ फ्रेज, ही सेट ऑन द बीच, ही सेट या ऑन द बीच, कौन सा आपको लग रहा है यहाँ पे फ्रेज है। अब देखिए यहाँ पे ही जो है सब्जेक्ट, इट सेट जो है वर्ब है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों चीजें नहीं हो सकती एक फ्रेज में, वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑन द बीच इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर है। ऑन द बीच इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
जिसका आपको आंसर करना है. आइडेंटिफाई द फ्रेज द बुक ऑन द टेबल इज माइन. द बुक इज माइन ऑन द टेबल. यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि कौन सा आपका फ्रेज है. ऑप्शन ए या बी जल्दी से कमेंट कीजिए. ए या बी कौन सा आपको लग रहा है सही आंसर है. एंड सही आंसर है इसका बी ऑन द टेबल. लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. शी डांस्ड अंडर द स्टार्स कंटेन्स विच फ्रेज. अंडर द स्टार और शी डांस्ड कौन सा आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का जिसमें पूछा जा रहा है कि फ्रेज कौन सा है. ऑप्शन ए या ऑप्शन बी. शी डांस देखिए सब्जेक्ट भी है एंड मैंने हिंट दे दिया आपको. जल्दी से बताइए कौन सा आपको लग रहा है सही आंसर है. उसका सही आंसर मुझे जो लग रहा है वो है ए अंडर द स्टार्स. क्योंकि यहीं पर जो चीज़ें यहाँ पे ये शी डांस्ड में ना वर्ब एंड सब्जेक्ट दोनों है. यहाँ पे स्टार्स तो दिख रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पूरा कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिल रहा है तो ये फ्रेज है. ठीक है तो इसी तरीके से आप जो है फ्रेज को समझ चुके हैं. बहुत बधाई हो आपको. आप एक पार्ट इंग्लिश ग्रामर का ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए जो कि हमने रख रखे हैं हमने हमारे वेबसाइट पे. तो प्लीज़ जाइए रजिस्टर कीजिए हमारे कोर्स में जो कि बिल्कुल फ्री है. साइन अप कर सकते हैं. अगर आपका कोई फ्रेंड है जो सीखना चाहता है तो उसको रेफर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके. हमारा एप्लीकेशन भी है स्किलेन लैब जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा ताकि आप आसानी से घर पर आराम से मोबाइल में बैठ के पढ़ सके प्रैक्टिस कर सके. हमारा हैंडबुक है जिसका आप यूज करके इंग्लिश प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं. टाइम लगेगा वक्त लगेगा लेकिन दोनों मिलके बहुत अच्छे से चीजों को सीख लेंगे और फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे. इतना ही नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाते हैं और हमारे वेबसाइट पर भी डालने वाले हैं. तो SSC एग्जाम हो FCAT एग्जाम हो NDA एग्जाम हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो वहां पर इंग्लिश ग्रामर जहां पूछा जाता है वहां पर ये आपको काम आने वाला है. तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.